सोशल मीडिया पे वीडियो व्हाट्सएप के थ्रू मैंने देखा, जिसमें एक क्रेन ओनर एक क्रेन ऑपरेटर को बहुत प्रताड़ित कर रहा है, उसको खींच रहा है। कारण उसने ऊटी चलाई हुई थी या नहीं चलाई हुई थी भाई, उसको उसकी गिरफ्त में हो गया तो कुछ भी कहलवा सकता उससे। उसी के कारण उसकी इतनी खिंचाई हुई, उसको उतना प्रताड़ित किया गया, 30 से 40 हजार रुपए तक उसका रोक लिया गया। क्रेन ओनर का कहना है ऑपरेटर ने ओटी चलाई। ये बताओ, 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर में दिन भर बैठ के वो सिंकिंग करता, तू साले 2 घंटे बैठ के दिखा पीछे। पेमेंट कितनी देते हो? 13 से 14 हजार रुपए। रुपए जो चौराहे पे ठेला लगाता अंडे का, वो कमा लेता साले, वो भी साले 4 4 महीने सैलरी नहीं दोगे, फिर जब वो ओवर टाइम चला लेगा तो 40 हजार रुपए तुमने उसका भी तो रोका है, ये तुम क्यों बोल रहे हो? तनख्वाह नहीं दोगे, वो अपने घर का काम कैसे चलाए? हैं? ये गलत कर दिया मैंने तो, मेरे नजर में भाई उसने सही किया है, कोई गलत नहीं किया, मैं भी एक सुपरवाइजर हूं, मेरी नजर से उसने एकदम सही किया है, तो वो यही सब काम करेगा। साले 70 डिग्री टेम्परेचर में बैठता वो केबिन में, जब सिंकिंग होती है लेदर जब गर्म होता है ना, तो जा मीटर लेके नाप उस केबिन का टेम्परेचर कितना होता है, 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर में वो बैठ के 10 घंटे 4 4 महीने देते नहीं हूं, 2 4 घंटे ओवर टाइम चला लेता है तो तुम। अरे सालों बढ़िया तरीका मैं बताऊं, 25 से 30 हजार सैलरी कर दो, ओवर टाइम तो क्या नट तक का हेर फेर नहीं करेगा ऑपरेटर, एक नट जो 5 रुपए का आएगा 10 रुपए का ना, उसकी तक की बेमानी नहीं करेगा वो। पहले तो तुम उनका हक का वेतन तो दो सालों, तब तो वो चोरी बंद करेंगे। पहले उसके हक का वेतन दो, जितनी वो मेहनत करता ना उतना उसको वेतन दो, ठीक है? अगर कहते हैं ऑपरेटर चोर है, ऑपरेटर चोर, साले तुम सही हो, नहीं, तुम सही हो साले, 3 3 महीने का वर्क आर्डर लेके 1 1 साल क्रेन चलाते हो, टैक्स चोर साले, टैक्स चुराते हो तुम। अरे हमारी तो दिवाला निकल गया, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ चला गया साले, 3 3 महीने का वर्क आर्डर करके 1 1 साल पेलते हो साले, तुम खुद चोर हो, तुम नहीं चोर हो, तुम टैक्स चोरी करते हो सरकार से। ऑपरेटर अगर 200 रुपए की चोरी कर लिया तो है साले, पहले खुद